हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। संबोधित करे वाला के बाजे करा अपन प्राण के मोह न रहल सामने आ जा। हे परम मूर्ख कंस, ई क्रोध करे के समय नहीं खे, खेद प्रकट करे के समय बा। तू अपन भाग्य में अपन हाथ से आग लगावे जाता रह, जेकरा तू इतना प्रसन्नता से रथ में बैठा के ले जाता रह, उहे देवकी के आठवां गर्भ के संतान तोके मार डाली। एकर आठवां गर्भ तोहार काल होई, तोहार काल होई, तोके मार डाली, तोहार काल होई, तोके मार डाली, तोहार काल होई। हम
बार काल हमके मुआदारी देवकी के आठवा गर्भ हमके मुआदारी हा देवता भी जेकर पच्चाप सुन के थर्राए लागेलन ओ कंस के देवकी के आठवा संतान मार डारी हम आपन मृत्यु के मूल कारण के ही खत्म कर दे ना रही देवकी ना होई ओकर आठवां संतान ये आप का करते बड़का भैया ये आपके छोट बहिन है बेटी के समान है अभी अभी आप अपना हाथ से इनकर ब्याह कैले हैं हट जा वसुदेव हम अपन मृत्यु के ये मूल कारण के अबहिये मिटा देत हैं यदि तो के अपन प्राण प्यारा बा तो हमरा सामने से हट जा युवराज ये मत भुलाए कि हमार पत्नी है और इनकर रक्षा कैल हमार धर्म बा हम अपन प्राण दे के भी अपन धर्म के रक्षा करब आप जो करे जाते हैं वह पाप हा आप जैसन शूरवीर ऐसा जघन्य पाप कैसे कर सकेला एक तो स्त्री फिर आपके बहिन ऊपर से नवविवाहिता इनकर हत्या कल धर्म के विरुद्ध बा मनुष्य के सबसे बड़ धर्म है अपन प्राण के रक्षा कैल जब अपन प्राण संकट में होखे तब मनुष्य अपना बचाव खातिर कुछ भी करे वो अधर्म ना होखे यही से जे हमार मृत्यु के कारण हो सकेला वो जीवित ना रही काहे कि कंस ना मर सके कंस कबो ना मर सके संसार में ऐसा केहू नहीं खे जो कबो ना मर सके यदि हमार और देवकी के प्राण लेला से आप अमर हो सकी काल के पकड़ से बाहर निकल सकी तो हम दोनों यही क्षण अपन प्राण न्यौछावर कर देते हैं बाकी प्रकृति के यह नियम है कि जन्म के साथ ही प्रत्येक जीव के मृत्यु भी जन्म ले लेला ओकर काल भी निश्चित हो जाला यही से आप जैसन शूर वीर के ऐसन जघन्य कुकर्म ना करे के चाहें जैसे संसार में लोक निंदा होके और परलोक में जाके अधोगति प्राप्त करके घोर नरक में जाए के पड़े हमके लोक निंदा और नरक के भय मत देखावा कंस कबो भयभीत ना होला तो फिर यह अबला से इतना भय का है ई तो बेचारी क्योंकि मार भी ना सके बाकी एकर संतान सुन लेना तू आकाशवाणी ठीक बा देवकी से कोनो आपके भय नहीं खे भय बा त केवल ओकरा संतान से जैसन के आकाशवाणी कहलस हम आपके वचन देत हैं देवकी के छोड़ दी हम महाराज सूरसेन के बेटा वसुदेव प्रतिज्ञा करत हैं कि देवकी के प्रत्येक संतान के जन्म लेते ही हम स्वयं अपना हाथे लाके आपके सौंप देव फिर आप चाहें तो ओकर नाश कर सकत हैं हमके कोई आपत्ति ना होई हमके धोखा दे के मथुरा से भाग गेल चाहतारा ना युवराज हम आपके यह वचन देते हैं कि जब तक आठों संतान के जन्म नहीं हो जात हम दोनों मथुरा छोड़ के ना जाए यदि आपके हमारा वचन पर विश्वास नहीं है तो हमके विवश होके आपके विरुद्ध तलवार उठावे के पड़ी और हमारा तलवार उठावे के अर्थ बा कि सगरे वृष्णि वंश के तलवार उठ जाए जौना एकता खातिर महर्षि गर्ग विवाह के प्रस्ताव रखले रहन उ एकता खंड खंड हो जाए हमके एकर विश्वास कैसे होई कि तू अपन वचन के पालन करबा आठवां संतान तो बहुत दूर के बात बा एकर परीक्षा तो पहला संतान के जन्म पर ही हो जाए सगरे संसार जानता कि हम कब असत्य वचन ना बोली हमार विश्वास करी बड़का भैया हम अपना वचन के पालन करब कुमार वसुदेव यदि तू हमरा संगे विश्वासघात कैला तो हम तोहरा समेत पूरा विष्णु वंश के जड़ से नाश कर दे और तू तो जानेला
कि कंस में इतना शक्ति बा। सेना नायक जी राजकुमार, ई दोनों के कुमार के भवन तक पहुंचा दा और भवन के चारों तरफ सेना के प्रहरी खड़ा कर दा। हमरा आज्ञा के बिना केहू के ई लोग से मिले ना दिहल जाए। ई दोनों के भवन से बाहर निकले के आज्ञा नहीं खे। प्रसाद में अब केहू ना रही। ई आज से बंदी गृह हो गई है। यदि केहू तोहरा पास छिप के आवे के कोशिश करी तो ओकर प्राण कबो ना बची। भागे के कोशिश भुला के भी मत करी है। चला राज। कंस के आज्ञा के बिना केहू के भी अंदर मत आवे दिहल जाए। जे आज्ञा। देवी, ई महल आपके स्वागत खातिर सजाओल गेल रहे। आप भी का याद करब कि ससुराल में कितना भव्य स्वागत भइल रहे। अपना घर में अइला पर स्त्री के स्वागत से अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होला। हम आपकी स्थिरता और ही आपके धैर्य देख के हम अपना के पूरा तरह सुरक्षित पावत हैं। आपके साहस, धैर्य और बुद्धि आज हमार प्राण के रक्षा कैलस। हमार बाकी जीवन तो आपके ऋणी हो गई। देवी, पति पत्नी के बीच लेन देन के व्यापार ना होला। उनकर सब कुछ तो एक दूसरा खातिर ही होला। आप सचमुच महान हैं। ये झूठ पा। हमके विश्वास नहीं के होत कि कंस ऐसे निष्कर्म करे के सोच भी सकेला। अपना हाथे अपना छोट बहिन के वध करी ना। उ तो ओकरा के सबसे अधिक प्रेम करेला। महामंत्री, आपके सूचना सत्य ना हो सकेला। क्षमा करी महाराज, ई सगरे कांड अंगरक्षक सैनिक सबके सामने भइल है। कोनो एकांत में ना भइल है। ऐसे ई सूचना झूठ ना हो सके। ठीक बा, हम उनका के बुलावले हैं, अभी पता चल जाए। आप हमके बुलावली महाराज। हाँ,
कई सत्य बा की तू देवकी के वध करे जात रहा? जी हाँ, ये सत्य बा। तो के लज्जा नहीं के आवत है बात के स्वीकार करत? ऐसन महापाप केहू सोच भी ना सके। एगो स्त्री फिर बहिन ओ पर तलवार उठावत तोहर हाथ ना कापल? धर्म मधर्म के कौनो विचार ना आयल तोहके? सबसे बड़ धर्म अपन प्राण के रक्षा कैल। ऐसे यदि हमके केहू से अपन प्राण के भय होई, चाहे वो स्त्री होके या बालक, ओकर वध कैल ही हमार सबसे बड़ा धर्म है। ऐसन जघन्य पाप के खाली संकल्प कैला भर से हम तो के प्राण दंड भी दे सकत है। हमार दया और पितृ स्नेह के अनुचित लाभ उठावे के कोशिश कब मत करिया। लाभ हम ना उठा रहा है महाराज, हमार लाभ आप उठा रहा है। आप जानत है जब तक कंस बा तब तक मथुरा के राज्य सुरक्षित बा। ऐसे हम तुहार हर अनुचित बात मान ले ना कंस, ये तुहार भूल बा। हम राज्य के सुरक्षित रखल चाहत हैं, बाकी धर्म के राज्य के पाप के राज्य के ना। जे शक्तिशाली होखेला ऊ जे करेला वे धर्म होखेला। ऐसे धर्म के राज्य का है और पाप के राज्य का है एक निर्णय वे करी जेकरा पास शक्ति होई। और ए समय शक्ति केकरा पास है ई आप जानत हैं। हाँ जानत हैं, शक्ति हमेशा राजा के ही पास होला। तू सेनापति जरूर बाड़ा, बाकी मथुरा के सेना राजभक्त था राजद्रोही ना। यही शक्ति के भरोसे हम आज्ञा देते हैं कि देवकी और वसुदेव के महल के चारों ओर जे तू पहरा बैठा देले बाड़ा वह जी हटा दिहल जाए। हम और कुछ तर्क सुनल नहीं खी चाहत। श्वेतपाल जी स्वामी, तू लोग अंदर कैसे आ गईला? सैनिक तोहरा के रुकलस ना? स्वामी महाराज उग्रसेन जी कड़ा आज्ञा दिले हैं कि आपके भवन से तुरंत सैनिक हटा दिया जाए और आपके स्वतंत्र कर दिया जाए। अच्छा, और स्वामी सुन ली है कि महाराज युवराज पर बहुत क्रोध भी कैली। सबके सामने हम लोग के सेनापति के ऐसा अपमान, महाराज के इतना हिम्मत के एगो अक्रूर और सत्याग आदि के बलबूता पर कूदत बाड़न। ई सब वृष्णि वंशी के बंदी बना लेवे के चाही। ना ऐसन कैल बहुत बड़ भूल होई। पहला बात तो ये याद रखे के चाही कि महाराज जी कहलन कि मथुरा के सेना राजभक्त बा उहे सत्य बा। युवराज के निजी अंग रक्षक के दस्ता के अलावा बाकी सेना महाराज के विरुद्ध कबो हम लोगन के साथ ना दी। तो फिर का हम लोग चुपचाप अपमान साथ रहा? हाँ हाँ युवराज, ए समय यही उचित बा कि हम लोग चुप रहें। ए बीच युवराज के कोनो ऐसा उपाय करे के चाही कि कोनो दूसर राज्य के सेना के कोनो भी तरह मथुरा ले आए। के कर सेना? आपके दो मित्र बाड़न, महाराज वाणासुर और महाराज भीमासुर। वो कौन समय काम आई है? उनका राज्य की सीमा हम लोगन के राज्य की सीमा से मिलल बा। अब यह समय बा उनका से सहायता मांगे के। जानूर तू ठीक कहता रहा, तुहार बात विचार नहीं बा। हम कुछ ही दिन में शिकार खेले के बहाने मथुरा से कुछ दिन खातिर बाहर चल जाई और गुप्त रीति से बाणासुर और भामासुर से मिलके
कौनो योजना बनाए। प्रणाम महाराज। आई अक्रूर जी, पधारी। कहीं का समाचार बा? समाचार तो सब आप भी जानत हैं महाराज। इस समय कुमार वसुदेव और देवकी के रक्षा के प्रश्न बा महाराज। उनका के तो महाराज उग्रसेन मुक्त कर दिले बाड़न। भय हमके महाराज सेना कंस सेवा। आज भले वो महाराज उग्रसेन के सामने दब गए होके, बाकी वो पापी कुमार वसुदेव और देवकी के निश्चिंत ना रह दी। ओकरा रहते वो दोनों कबो सुरक्षित ना रह सकी है महाराज। ता आपका करब? ऐसे पहले कि कंस कोनो और चाल चले, हम लोग के कुमार वसुदेव और देवकी के यही समय मथुरा से निकाल के कोनो सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देवे के चाहिए। महाराज, अक्रूर जी के ये प्रस्ताव उचित बा, एके स्वीकार कर ली ही। अच्छा बात है, तू जाके वसुदेव से कहा। बाकी वो आपके आज्ञा के बिना ना मनी है। उनका से कहा कि ये प्रस्ताव हमके भी स्वीकार बा। प्रणाम महाराज। आप समझे के कोशिश करें कुमार, आपके यहाँ से निकल के कोनो सुरक्षित स्थान पर गईल आवश्यक बा, तबे तो भविष्यवाणी सांच हो सकी। आप भविष्यवाणी के सत्य मानत हैं? अवश्य। तो फिर जब भविष्यवाणी कहले बा ओकर सत्ता के नहीं मानत? यानी? यानी का? यदि निश्चित बा कि हमार आठवां संतान कंस के विनाश करी, तो फिर यह निश्चित बा कि हमार आठ संतान होई? अवश्य। फिर तो यह निश्चित हो गई कि हम जहां भी रही, जैसन भी दशा में रही, हम जीवित रह। फिर हमारा सुरक्षा खातिर इतना भागदौड़ का है? बाकी कुमार, भगवान कोनो मनुष्य के हाथ में केहू दोसर के जीवन और मृत्यु के अधिकार निखन दे ले। हाँ, यदि काल के ही हमके मारे के बा तो हम मथुरा छोड़ के जहां भी जाए काल हमके उहमे आके मार दी। और यदि काल के हमके नहीं मारे के हा तो कंस मथुरा में भी हमार कुछ ना बिगाड़ सकस। ऐसे मथुरा छोड़ के गई हमके उचित निखे लागत। आप भाग्यवाद के बात कर रहा है? बाकी भाग्य भी मनुष्य के पुरुषार्थ से ही बनेला, और पुरुषार्थ कल मनुष्य के धर्म है। जे अपना धर्म के पालन ना करे, धर्म होकर रक्षा ना करे, ऐसे आप अपना धर्म के पालन करें। हम अपन धर्म के ही पालन करत हैं, और ए समय हमार धर्म यह बा कि हम मथुरा में ही रहें। काहे? काहे कि हम युवराज कंस के वचन देले हैं कि हम और देव की मथुरा छोड़ के ना जाए। अपना यही वचन के धरोहर रख के हम युवराज कंस से देवकी के प्राण उधार मंगले हैं। ऐसे हमार धर्म यह बा कि हम मथुरा में ही रहें। का कुमार वसुदेव ऐसन कहलन? जी महाराज। वाह वाह कुमार वाह, तू धन्य बड़ा बेटा, और ऐसन सत्यवादी बेटा के पाके हमहू धन्य हो गई ली। वो कोनो पिछला जन्म के ऋषि है, ऐसन सत्यवादी, सत्य के ऐसन साधक, सत्य के ऐसन पुजारी, तबे तो भगवान ओकरा घर में जन्म ले रहल बाड़न। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम् गुणानुवादम् तत्प्रेरणाम् अहम् करोमि मम भावगीतम् हृदयस्य प्रीतम् त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण।